दोस्तों सुन लीजिए, एशिया कप आ रहा है। अरे सर कितनी बार बोलोगे ये बात। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच हैं उनकी डेट भी फिक्स कर दी गई है। वाओ सर कितना अच्छा बोला, बताइए बताइए जल्दी से। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशिया कप के संपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। ACC के अध्यक्ष जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एशिया कप के पूरे कार्यक्रम की घोषणा करते हुए ये भी कह दिया है कि टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान कप भिड़ने वाली है। एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा ले रहे हैं जिसमें से 3-3 टीमों के ग्रुप हैं और उसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल ग्रुप ए के अंदर रहेंगे और ग्रुप बी के अंदर जाएंगे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अगर बात करें हम एशिया कप की शुरुआत की तो वो 30 अगस्त से होने वाली है। पहला मुकाबला हाइब्रिड मॉडल के अनुसार पाकिस्तान के मुल्तान शहर में खेला जाएगा और पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम नेपाल होगा और पाकिस्तान में 4 मुकाबले और 3 ग्रुप राउंड के होंगे जो कि एक मुकाबला सुपर 4 का खेला जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इसी के अंदर अब भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा, क्योंकि ये मॉडल नया है और इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को, तो वो समझ लीजिए अपने आप। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता फिर आप